सभी क्लास के बच्चों ने भाग लिया था, उसमें भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक के जो बच्चे हैं उनको भी विद्यालय सम्मानित करेगा। इसके साथ जो पिछला सत्र हमारा बीता, पिछले सत्र के जो टॉपर हैं, अपने अपने क्लास से टॉप किए हैं, उनको भी विद्यालय की तरफ से पुरस्कार दिया जाना है। इसके साथ ये विद्यालय जो संचालित है पांडे एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी से संचालित है। सोसाइटी ने एक एग्जाम कराया था, टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये एग्जाम ओपन था, इसमें पूरे जिले का कोई भी बच्चा भाग ले सकता था। ये यहाँ भी हुआ था, शहर में भी हुआ था और जौनपुर में सेंटर था वहां भी हुआ था। टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में ये था कि इसमें जो लड़का टॉप करेगा, ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन लाएगा, उसको इनाम के रूप में विद्यालय की तरफ से एक लैपटॉप और 5000 रुपए का चेक दिया जाना है। उसके बाद सेकेंड रैंक से लेकर के फिफ्थ रैंक तक टॉप किया, वो हमारे अपने प्रतापपुर का ही था और वो भी आर्यन पब्लिक स्कूल का ही था। और टॉपर का अंतर काफी था, वो बच्चा उस समय 9th क्लास में था और इस समय 10th क्लास में है। और बाकी बच्चे कई हैं यहाँ से आर्यन पब्लिक स्कूल से, लेकिन टॉपर जो है श्री आरबी उपाध्याय जी, आरबी जेजीएम के पोस्ट पे हैं। आप के साथ में हम हमारे बड़े भाई श्री आर के पांडे हैं। मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि तुम लोग इतना पढ़ो कि सब के सब जज बनो। इसीलिए जज साहब को बुलाया है कि तुम लोग इनकी नकल करो और नकल करके इनके जैसा जज बनो और बड़े अधिकारी बनो। आपको यहाँ पर आज आप सब लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आपको उत्साहित करने के लिए आए हैं ताकि आप आगे चल करके और अच्छा करें। आज इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव अपना अमूल्य समय दे करके बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर अपना कीमती समय दिए हैं, आप सबका मैं कि आप हमेशा से हमेशा हमारे बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करिएगा कि ये आगे बढ़े, स्कूल का, अपने माँ बाप का और क्षेत्र का नाम रो। पिछले सत्र के जो टॉपर हैं पहली पहली पोजीशन का ले आइए, नहीं बहुत समय लग जाएगा, पहली पहली पोजीशन का ले आइए। सबसे पहले हम चाहेंगे कि बड़े भैया श्री आर के पांडे जी, आप शुभ मिश्रा क्लास थर्ड के हैं। ताली बजाइए आप लोग शुभ मिश्रा के लिए। शुभ मिश्रा का क्लास थर्ड से है और थर्ड ही रैंक थी। इसके बाद सत्यांशु गुप्ता को हम चाहेंगे इसको छोड़कर इसको के जेजीएम बड़े भाई श्री दिवाकर मिश्रा जी आप यहाँ पे मंच पे मौजूद हैं और सत्यांशु गुप्ता को आशीर्वाद देकर के उनके भविष्य की कामना, इनका भविष्य उज्जवल हो, इनके लिए जोरदार ताली। आप लोग Thank you.
हजार जोरदार तुम्हें ताली लेने जाना है। और बात एसोसिएशन इलाहाबाद के अध्यक्ष श्री उमाशंकर तिवारी जी हम लोगों को बीच में मौजूद है, जो हम लोगों के संरक्षक भी हैं। आप उन बच्चे को इनाम दे करके इसका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। अपराजिता पटेल, अपराजिता पटेल और नीरज कुमार पटेल का अपराजिता पटेल और नीरज पटेल दोनों लोग सेवेंथ क्लास में हैं। आपकी सेवेंथ क्लास में फोर्थ रैंक के कैरेक्टर एग्जामिनेशन में और आपको पुरस्कृत करेंगे जोरदार ताली आगे लगाइए। भैया के स्वागत में भी बच्चों के स्वागत में भी सर सर बस देख लो ऐसे जी सर आगे बढ़ें। हमारी
पूरी पूरी शुभकामना ये है कि जो बच्चे क्लास में पहली रैंक नहीं ला पाए हैं, दूसरी रैंक नहीं ला पाए हैं, वो मेहनत करें, अगले एग्जाम में पहला रैंक उनका इंतजार कर रहा है। और जो पहली रैंक पाए हैं उनके लिए शुभकामना ये है तो और मेहनत करें, नहीं पीछे वाला लड़का उनका रैंक ले लेगा। इसी के साथ देवेश त्रिपाठी के पिताजी मंच पे आए और अपने बच्चे के बारे में, अपने के बारे में और जो कुछ भी हो स्कूल के बारे में, शिक्षक के बारे में बताने की कृपा करें। धन्यवाद आपका। मैं सभी आए हुए अतिथिगणों का, यस साहब का और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी का और आए हुए जो गणमान्य व्यक्ति हैं, अभिभावक लोग हैं, सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं यह कामना करता हूं कि उनके जो भी बच्चे हैं वो भविष्य में आगे बढ़ें और यही मेरी इच्छा है। और आज मुझे ये जो अवसर मिला हुआ है कि आप लोगों के बीच बोलने का, ये अवसर बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि मेरा जो लड़का है उसके द्वारा मुझे ये आज जगह मिली है या स्थान मिला हुआ, मौका मिले कि उन लोगों को बीच में जो है उनके गार्जियन को बुलाया जाए, वो भी दो शब्द कहें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा जो भी प्यारे बच्चे हैं कि कोई भी एग्जाम के लिए आपको कभी भी, जब भी आपको एग्जाम की तैयारी करनी हो उसके लिए सबसे पहले होता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय होने के साथ साथ कभी कभी तो कुछ बच्चे क्या है, दृढ़ निश्चय तो कर लेते हैं, जैसे अभी सुनने की ये लड़का टॉप किया है, उनके दिल में ये बात जल जाती है मुझे भी टॉप करना है, लेकिन कुछ समय बाद वो शिथिल पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जब तक कंटिन्यूटी नहीं रहेगी कोई भी सफलता नहीं मिलती। सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा आदमी को लगातार अनवरत प्रयास करते रहना चाहिए। अनवरत प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, क्योंकि सफलता जो मिलती है वो क्षणिक नहीं होती है, उसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। और उसके लिए मैं सभी गार्जियनों को समय देंगे तो आपके लिए ऐसा निवेश होगा कि जो भविष्य में हमेशा फलता रहेगा, फलता रहेगा और आपको ऐसी ऊंचाइयों में ले जाएगा कि ये कहा जाएगा। अभी घटना बताना चाहूंगा, ब्रिजेश पांडे सर अभी बताए कि ये क्लास सिक्स में हमारा लड़का यहाँ पे आया पढ़ने के लिए, तो सागर और देवेश की रैंक एक ही थी, दोनों एक ही पोजीशन पे थे और यहाँ पे अनाउंस किया गया कि जो है देवेश की राइटिंग अच्छी ना होने के कारण जो है उसका रैंक उससे कम कर दिया गया, उसकी सेकंड पोजीशन घोषित की गई, जबकि दोनों के रैंक बराबर थे, नंबर बराबर था, लेकिन ये कहा गया कि उसका जो है राइटिंग अच्छी नहीं है इसलिए जो है सेकंड पोजीशन दे दी गई। मेरा बच्चा बहुत हताश हुआ और मुझसे कहने लगा कि ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आपके लिए एक सीख है, क्योंकि असफलता जो है वह आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है। आप इतनी मेहनत करिए कि आने वाले समय में कोई आपके आसपास भी ना हो और उसका नतीजा ये होगा क्लास सिक्स सेवन एट नाइन टेन यहाँ तक बच्चा पहुंच गया। और ये आप लोगों की कृपा है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, देवी जी की कृपा है कि आज वह टैलेंट सर्च के एग्जाम में ओवरऑल 16,000। हर्षित केसरवानी थर्ड रैंक, क्लास सेकंड बी, हर्ष सोनी फर्स्ट रैंक, शांति पटेल सेकंड रैंक, प्रशांत कुमार थर्ड रैंक, सेकंड सेक्शन सी मयंक मिश्रा फर्स्ट रैंक, आर्यन सिंह यादव सेकंड रैंक, जया यादव थर्ड रैंक, थर्ड का सेक्शन ए प्रियांक पांडे फर्स्ट रैंक, अवनीश पटेल सेकंड रैंक, सत्यम सिंह यादव थर्ड रैंक, थर्ड सेक्शन बी शुभ मिश्रा फर्स्ट रैंक, अंबुज गुप्ता सेकंड रैंक, अनुज केसरवानी थर्ड रैंक, थर्ड सेक्शन सी अंकुश यादव फर्स्ट रैंक, अनंत विश्वकर्मा सेकंड रैंक, कार्तिक केसरी थर्ड रैंक, फोर्थ सेक्शन ए रेणुका यादव फर्स्ट रैंक, दुर्गेश मिश्रा सेकंड रैंक, संगम दिवाकर थर्ड रैंक, फोर्थ सेक्शन बी आलोक मौर्य फर्स्ट रैंक, अनुराग यादव सेकंड रैंक, जयप्रकाश यादव थर्ड रैंक, फिफ्थ सेक्शन ए अभय दुबे फर्स्ट रैंक, युगांक उपाध्याय सेकंड रैंक, आदर्श पांडे थर्ड रैंक, फिफ्थ सेक्शन बी अनुज पटेल फर्स्ट रैंक, शिवांश पांडे सेकंड रैंक, कैलाश तिवारी थर्ड रैंक,
क्लास सिक्स सेक्शन ए आयुषी जायसवाल फर्स्ट रैंक, साक्षी सिंह सेकंड रैंक, यश त्रिपाठी थर्ड रैंक। क्लास सेक्शन बी धर्मेंद्र पटेल फर्स्ट रैंक, अनुराग पटेल सेकंड रैंक, सनी पटेल थर्ड रैंक। सेवेंथ ए अपराजिता पटेल फर्स्ट रैंक, हर्ष सरोज सेकंड रैंक, अंशिका पटेल थर्ड रैंक। अपराजिता पटेल, हम आप सबको ये अवगत कराना चाहेंगे कि अपराजिता पटेल ये क्लास थर्ड से विद्यालय में आई है और थर्ड क्लास से लगातार ये अपने जिस क्लास में रहती है उस क्लास को टॉप करती है। इसके अभिभावक यहाँ पर मौजूद हैं, ये बीच में एक बार इस बच्चे का नाम कटा दिए स्कूल से। उसका रीजन ये था कि वो कहें कॉपी किताब का खर्च और फीस का खर्च मैं वहन नहीं कर पा रहा हूं। मैंने कहा कि ये बच्ची अच्छी है पढ़ने में, ये भविष्य की आईएएस है, इसको आप पढ़ने दो, इसका पूरा फीस विद्यालय देगा, इसका पूरी कॉपी किताब का खर्च विद्यालय देगा, आप इसको पढ़ाओ। और वो बच्ची पढ़ रही है और लगातार अच्छा कर रही है। जिस सेक्शन में रहती है उस सेक्शन को वो टॉप करती है हमेशा से ही, जिस क्लास से विद्यालय में आई है। सेवेंथ डी से फर्स्ट रैंक पे हैं प्रवेश द्विवेदी, सेकंड रैंक पे हैं नीरज पटेल और थर्ड रैंक पे हैं राज्यवर्धन सिंह। एट्थ क्लास में श्रुति पांडे फर्स्ट रैंक पे हैं, बाकी दो बच्चों की लिस्ट इसमें नहीं। एट्थ क्लास बी से अवनीश पांडे और फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक पे हिमांशु सिंह हैं। नाइन्थ क्लास में श्रीश पांडे फर्स्ट रैंक पे हैं, निमिष द्विवेदी सेकंड रैंक पे हैं और टीसा पटेल थर्ड रैंक पे। नाइन्थ बी में फर्स्ट रैंक पे हैं देवेश त्रिपाठी, सेकंड रैंक पे हैं सागर गुप्ता और थर्ड रैंक पे हैं नीतू यादव। नाइन्थ क्लास इस समय टेंथ क्लास पे हैं और इस वर्ष आर्यन पब्लिक स्कूल का फर्स्ट बैच टेंथ का बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहा है और भगवान से ये कामना करूंगा कि अगले साल जब हम यहाँ वार्षिकोत्सव करें और बच्चों को यहाँ पुरस्कृत करें तो हम सीबीएसई बोर्ड के टेंथ क्लास के टॉपर को पुरस्कृत करना चाहते हैं और ये हमारे बच्चे कर सकते हैं और वो हमें पूरा विश्वास है कि करेंगे। इसी के साथ बड़े भाई श्री सुरेंद्र मिश्रा जी, जो कि आप इलाहाबाद जनता न्यायालय में जज हैं, आपके पास समय बहुत कम है और वो चाहते हैं कि बच्चों को कुछ आशीर्वाद दे करके दो शब्द हम बोल करके जाएं। आपका कार्यक्रम लगा हुआ है, आपको मेले में अभी उद्घाटन करना है तो आप जाना चाहते हैं, आपके पास समय का अभाव है तो आपको हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, आप आए और यहाँ से सारे बच्चे आपके सामने होंगे और यहाँ से आप आशीर्वाद दें उनको और दे करके फिर तब आप आगे के लिए प्रस्थान करें।